नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट अप में। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, सचिन, जायसवाल और शुभमन गिल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का मुकाबला 7 जून को इंग्लैंड के ओवल के मैदान में खेला जाना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 10 सालों में भारतीय टीम ने कोई भी ICC का खिताब नहीं जीता है। भारतीय टीम ने अपना आखिरी ICC खिताब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था, वो भी चैंपियन ट्रॉफी। 2013 के बाद भारतीय टीम ने बहुत सारे द्विपक्षीय सीरीज अपने नाम किया है, लेकिन जब बात आती है भारतीय टीम के लिए ICC की खिताब की, तो चाहे T20 वर्ल्ड कप हो या एक दिवसीय वर्ल्ड कप हो या कोई बड़ा ICC का टूर्नामेंट, पिछले 10 सालों में लगातार भारतीय टीम का हाल बेहाल रहा है। मतलब साफ है, पिछले 10 सालों में भारतीय टीम ने कोई भी ICC का खिताब अपने नाम नहीं किया है। ऐसे में भारतीय टीम के पास ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से जीतकर 10 साल से चले आ रहे इस कलंक को मिटाने का सबसे बेहतर अवसर है, लेकिन यह सफर भारतीय टीम के लिए कितना आसान होगा यह तो वक्त ही बताएगा। हालांकि भारतीय टीम ने इसके लिए अपनी कमर कस ली है और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। कप्तान रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा घोषित की गई इस प्लेइंग 11 में महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर 2 खतरनाक खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है। इन दोनों खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर 2021 में 32 सालों बाद गाबा के मैदान में कंगारुओं का घमंड तोड़ा था। तो आखिरकार कौन है वो खिलाड़ी जिसकी वापसी हुई है भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाने के लिए, जिसका नाम सुनकर कंगारू टीम में दहशत का माहौल बन गया है? तो आखिरकार कौन है वो खिलाड़ी जिसके आने के बाद यह माना जा रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी इस बार भारत में आनी पक्की है? दिखाएंगे पूरी खबर, मगर उससे पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा मिलकर घोषित की गई इस प्लेइंग 11 में आपको ओपन करते दिखेंगे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा। तो ही रोहित शर्मा के साथ आपको दिखने वाले हैं शुभमन गिल। बात करें हम शुभमन गिल की, तो टाटा IPL 2023 में 3 लगातार शतक ठोककर और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए सीरीज में 1 दोहरे शतक के साथ एक और बेहतरीन शतकीय पारी। तो ही T20 में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली थी। शुभमन गिल का हालिया प्रदर्शन देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शुभमन गिल भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तुरुप का इक्का साबित होंगे। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा टाटा IPL में जरूर संघर्ष करते दिखे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी और मार्च के महीने में खेले गए 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा का प्रदर्शन शानदार रहा, जिसकी बदौलत भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का सफर तय कर पाई है। तो साथियों, चलिए बात करते हैं इसी क्रम में हम इस प्लेइंग 11 में 3 नंबर के खिलाड़ी के बारे में। तो यहां 3 नंबर पर आपको दिखेंगे क्रिकेट जगत के किंग मिस्टर परफेक्ट विराट कोहली। जी हां साथियों, बात किया जाए विराट कोहली की, T20 वर्ल्ड कप 2022 और बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 1 दिवसीय सीरीज के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 4 टेस्ट मैचों की सीरीज और टाटा IPL 2023 में उनके लगातार 3 शतकीय पारी को देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि विराट कोहली इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम जानते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भारत की चुनी गई प्लेइंग 11 में 4 नंबर के खिलाड़ी के बारे में। तो साथियों, यहां आपको दिखेंगे भारत की दीवाल कहे जाने वाले मिस्टर परफेक्ट चेतेश्वर पुजारा। हालांकि चेतेश्वर पुजारा जिस लेवल के बल्लेबाज हैं उस तरीके का प्रदर्शन पिछले कुछ टेस्ट सीरीज में नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसे देखकर यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि चेतेश्वर पुजारा के अंदर प्रतिभा की कमी है। कई ऐसे मौके पर जब भारतीय टीम संकट में होती है तो चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बनकर उभर कर सामने आते हैं। तो आइए जानते हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में चुनी गई प्लेइंग 11 में हम 5वें नंबर के खिलाड़ी के बारे में। तो साथियों, आपको 5वें नंबर पर एक ऐसा खिलाड़ी दिखने वाला है जिसने 2021 में अपनी कप्तानी के दौरान भारतीय टीम को 32 साल बाद गाबा के मैदान में भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज जिताकर एक ऐसा कारनामा किया था जो सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भी नहीं कर पाए हैं। जी हां साथियों, आप समझ गए होंगे हम किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मिस्टर परफेक्ट अजिंक्य रहाणे की। रहाणे हाल ही में ही टाटा IPL 2023 में काफी जबरदस्त फॉर्म में थे, जिसकी बदौलत चेन्नई सुपर किंग ने फाइनल का सफर तय किया था। अजिंक्य रहाणे का फॉर्म देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अजिंक्य रहाणे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे। तो आइए जानते हैं इसी क्रम में हम इस प्लेइंग 11 में 6वें नंबर के खिलाड़ी के बारे में। तो साथियों, आपको यहां पर दिखने वाले हैं ऋषभ पंत जैसे ही खतरनाक बल्लेबाज और बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज। जी हां साथियों, उस खिलाड़ी का नाम है जितेश शर्मा। जितेश शर्मा का हाल में ही टाटा IPL
का प्रदर्शन काफी शानदार रहा, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने टीम का हिस्सा बनाया है। तो साथियों यहां तक रही भारतीय टीम की बेहतरीन बल्लेबाजी क्रम, अब यहां से आपको दिखेंगी भारत के तीन खतरनाक ऑलराउंडर जो अपनी खतरनाक गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी ऐसी तबाही मचाते हैं कि विरोधी खेमे में भगदड़ सी मच जाती है। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विनी की। जी हां साथियों, ये वही भारत की तिगड़ी जोड़ी है जिसने पिछले 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें खास करके रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने जबरदस्त तबाही मचाई थी, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम में भगदड़ सी मच गई थी और कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सीरीज बीच में ही छोड़कर अपने देश लौट गए थे। हालांकि रविंद्र जडेजा प्लेइंग 11 में पूरी तरीके से फिट है, तो वहीं अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विनी में अभी भी कप्तान रोहित शर्मा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसे प्लेइंग 11 में मौका दिया जाए। तो चलिए बात करते हैं भारत की खतरनाक गेंदबाजी खेमे की। तो साथियों आपको यहां दिखने वाले हैं मोहम्मद शमी। जी हां साथियों, वही मोहम्मद शमी जिसकी आग उगलती गेंदों ने टाटा आईपीएल 2023 में जबरदस्त तबाही मचाई थी, तो वही मोहम्मद शमी के साथ आपको दिखने वाले हैं मोहम्मद सिराज, जो हाल फिलहाल एक दिवसीय मैचों में शीर्ष रैंक पर काबिज हैं। तो आपको मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के साथ दिखने वाले हैं शार्दुल ठाकुर, जो अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन समय समय पर टीम के लिए कई उपयोगी पारी भी खेल चुके हैं, जो भारत के पुछले क्रम के बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करते हैं। साथियों कुछ इस प्रकार से भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में प्लेइंग 11 रोहित शर्मा। जी हां साथियों, कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, जितेश शर्मा, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विनी, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज। साथियों भारत की इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्लेइंग 11 को देखकर आपको क्या लगता है, क्या भारत की प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को सूर्य कुमार यादव और उमेश यादव को शामिल करना चाहिए था? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।